तो भाई लोग, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं बोली किंग। आज हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी किंग मूवी के बारे में। दोस्तों रिलीज डेट का पता चल चुका है, बाकी इसकी शूटिंग कब चालू होने वाली। दोस्तों एक बुरी खबर है कि भाई इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों, 2025 में आप सबको तो पता है कि सलमान खान की सिकंदर मूवी आ रही है। दोस्तों इस तरह की बातें बताई जा रही है कि भाई शाहरुख खान की मतलब उसी दिन दोस्तों मूवी रिलीज़ होने वाली है। सारा मसला क्या, इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों, यही मेरी आपसे एक डिमांड है दोस्तों। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस वीडियो के लास्ट में। दोस्तों आप सबको तो पता है कि शाहरुख खान के फैंस को सिर्फ शाहरुख खान दिखना चाहिए फिल्म के अंदर। बाकी दोस्तों जब से ये पता चला है कि भाई किंग मूवी में, पहले खबरें निकल के सामने आ रही थी कि भाई किंग मूवी में शाहरुख खान का एक छोटा सा कैमियो होगा जो कि भाई फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में मदद करेगा। फिर दोस्तों पता चला कि भाई मूवी का बजट तकरीबन 200 करोड़ के आसपास है। फिर मैंने सोचा कि भाई कैमियो से ये पैसा नहीं निकल पाएगा। फिर भाई कुछ देर या कुछ दिनों बाद दोस्तों अपडेट आया कि भाई शाहरुख खान इस मूवी के अंदर एक डॉन के किरदार में होने वाले हैं। भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो जो कि एक फुल मूवी में दोस्तों आपको दिखेंगे, यानी कि एक लीड रोल मिलेगा जो कि डॉन का। भाई डॉन 2 डॉन 3 छूट गए, लेकिन भाई डॉन का करेक्टर दोस्तों भाई शाहरुख खान से गया नहीं है। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। तो भाई अब अपडेट निकल के सामने आ रही है भाई किंग मूवी को जो मेकर्स हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हम ईद 2025 पे रिलीज़ करेंगे दोस्तों। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। और साथ साथ दोस्तों 9 मई मतलब मई के महीने में, मई के लास्ट के महीने में इसकी शूटिंग चालू करी जाएगी, जो कि 2025 तक ईद के मौके तक इसकी मूवी दोस्तों सारा दोस्तों बैकग्राउंड जो भी भाई शूटिंग वूटिंग सब एडिटिंग सब कम्प्लीट हो जाएगी। फिर दोस्तों इसको 2025 की ईद के मौके पर रिलीज़ करेंगे। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। सबसे बुरी बात मुझे ये लगी कि भाई ईद 2025, दोस्तों आप सबको तो पता है कि सलमान खान की कोई मूवी आई ईद पर और उसके साथ कोई मूवी आ जाए वो भी भाई जो जिगरी यारो जो जिगरी दोस्तों तो भाई शाहरुख खान सलमान खान के साथ क्यों क्लैश करेगा। तो भाई ये जो अफवाह फैला रहे हैं दोस्तों, ये ट्विटर पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हैटर्स किस्म के लोग हैं दोस्तों। ये अपने ट्वीट पर ट्वीट कर देते हैं, कहते हैं कि भाई ये मूवी शाहरुख खान की सलमान खान की मूवी से क्लैश होने वाली है। कई सारे दोस्तों जो मिनी यूट्यूबर हैं दोस्तों, जो जिनको कम नॉलेज होती है, वो सोचते हैं कि भाई अब ये तो कम से कम सच बता रहा होगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी किंग मूवी की जो रिलीज डेट है अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन 2025 में 100% आएगी, क्योंकि भाई 2025 में कई सारी मूवी बड़ी बड़ी आ रही है दोस्तों। जब 2025 की ईद सिर्फ सलमान खान की है और दोस्तों उसी दिन भाई साहब सिकंदर मूवी रिलीज होगी, उसके आगे पीछे दोस्तों कोई भी आने वाला नहीं है। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। शाहरुख खान की किंग मूवी या तो दिवाली पर आएगी या दोस्तों भाई किसी भी दिन दोस्तों रिलीज़ कर देगा। भाई शाहरुख खान ने कहा था कि भाई मुझे फेस्टिवल की ज़रूरत नहीं है, जब मेरी मूवी आती है भाई उस दिन फेस्टिवल बन जाता है। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहां पर देखा जाए तो। बाकी यहां पर देखा जाए तो 9 मई मतलब 9 मई बाबा कह रहा हूँ कि भाई मई के लास्ट के महीने में दोस्तों मतलब लास्ट मई ख़त्म होने के बाद इसकी मूवी की शूटिंग चालू कर दी जाएगी, ये बात सच है। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। बाकी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई ईद के पे कोई भी क्लैश नहीं होने वाला शाहरुख सलमान का। भाई अगर क्लेश हुआ तो भाई दोनों फिल्मों का नुकसान होगा, ना कोई कमाएगा। सलमान खान वैसे ही दोस्तों डूबता हुआ सितारा हो रहा है इस टाइम, क्योंकि भाई सलमान खान को सिर्फ एक मूवी हिट की तलाश है। फिर से भाई अपनी बिल्डिंग है और दोस्तों अपना करियर दोस्तों बचाने के लिए सिर्फ एक हिट की तलाश है। अगर भाई सिकंदर मूवी भाई बैठ गई ना दोस्तों, फिर सलमान खान को अपनी जो वो है स्टारडम बचाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि भाई एक नाम तो मिल गया सलमान खान एक बड़ा स्टार, लेकिन भाई बड़े स्टार वाले काम भी तो करना पड़ेगा ना, हिट भी तो देनी पड़ेगी। भाई अगर बड़ा स्टार बार बार फ्लॉप देता रहेगा तो भाई ये पब्लिक को दोस्तों एक इमेज घटेगी सलमान खान की पब्लिक के सामने, फैंस के सामने। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। बाकी आप द किंग मूवी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नया चैनल सपोर्ट करना दोस्तों।